स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों आया है, आखिरकार ये प्लेन जमीन पर क्या कर रहे हैं, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब बांग्लादेश को वहाँ चोट दे रहा है जहाँ बांग्लादेश को सबसे ज्यादा लगेगा। जानेंगे पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा ऐलान किया है और पीएम मोदी ने बताया है कि हमारा टारगेट अब क्या है। बांग्लादेश में एक उथल पुथल सा खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब में 3 विमानों ने सड़क के रास्ते से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया है। ट्रकों पर लदे ये विमान जब शहरों के बीच से गुजरे तो उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब एयरलाइंस के सेवा से बाहर हो चुके 3 बोइंग 777 विमानों को जेद्दा से रियाद तक सड़क मार्ग से लाया गया। बोइंग विमानों की इस यात्रा को लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच से गुजरते एयरक्राफ्ट की तस्वीरें साझा की गई। कहा जा रहा है बोइंग विमानों ने बड़े ट्रकों पर जेद्दा हवाई अड्डे से रियाद तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। इसे रियाद सीजन 2024 बुलेवार्ड रनवे जोन में प्रदर्शित किया जाएगा। एयरक्राफ्ट के पंखों और दूसरे कुछ पार्ट को अलग कर दिए जाने के बाद सड़क के माध्यम से इन्हें ले जाया गया। इन विमानों को रियाद सीजन 2024 बुलेवार्ड रनवे पर दुकानों और रेस्टोरेंट में तब्दील करने के लिए जलाया गया है। सोशल मीडिया पर देश भर के लोग विमान यात्रा को साझा कर रहे हैं जिसमें सऊदी के पारंपरिक पोशाक पहने हुए और राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए तस्वीरें साझा की जा रही हैं। विमान को देखने के लिए कई परिवार भी सड़कों पर आए हैं। सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के प्रमुख तुर्की अल शेख ने रियाद के रास्ते में विमान की सबसे अच्छी तस्वीर लेने के लिए सऊदी अरब के लोगों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। इसके लिए इनाम में लग्जरी कारों का भी वादा किया गया था। विमानों की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही है। स्थानीय अफसरों ने बताया कि ये 3 विमान दुकान और रेस्टोरेंट में तब्दील किए जाएंगे। इनमें सभी आयु समूहों के लिए खेल और दूसरे अनुभवों सहित 13 इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की विशेषता होगी। बताया गया कि इन तीनों को जेद्दा से रियाद तक जिन बड़े ट्रकों पर लाया गया है उनके ड्राइवर पाकिस्तान से थे। ड्राइवर्स की भी इनके इस काम के लिए काफी तारीफ की जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन एक ऐसा क्रिएचर, एक नोवेल की रचना की गई थी जिसमें फ्रैंकस्टाइन नाम के एक मॉन्स्टर को बनाया गया था, एक राक्षस को बनाया गया था। कुछ ऐसा ही फ्रैंकस्टाइन तैयार करने की कोशिश हुई भारत के बगल में बांग्लादेश के रूप में, लेकिन अब ये फ्रैंकस्टाइन अपने ही मास्टर्स को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की ही तरह अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का भी खजाना खाली हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर इस वक्त भारतीय बिजली कंपनियों का $1 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है। इन कर्ज को चुकाने में अब बांग्लादेश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। इस मुद्दे से जुड़े दस्तावेजों और मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। बांग्लादेश पिछले साल से महंगे ईंधन और वस्तुओं के आयात के कारण अपने बिलों का भुगतान करने में संघर्ष कर रहा है। इस स्थिति को यूक्रेन में 2022 में शुरू हुए युद्ध ने और भी बिगाड़ दिया है। इसी बीच अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने से राजनीतिक उथल पुथल ने हालात को और पेचीदा बना दिया। बांग्लादेश को अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से तुरंत $5 बिलियन के मदद दरकार है। इस बीच केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए प्रमुख ब्याज दरें भी बढ़ा दी है। पिछले साल बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $4.7 बिलियन के राहत पैकेज की भी मांग की थी। अगर डॉन की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक अधिकारी ने बताया कि भुगतान चुकाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन डॉलर संकट ने इस प्रक्रिया को बहुत जटिल बना दिया है। भारतीय बिजली कंपनियों में से सबसे ज्यादा $800 मिलियन का बकाया अदानी पावर को चुकाना है। हालांकि अदानी पावर ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीटीसी इंडिया और सेल एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बकाया राशि की वसूली के लिए BPTB को लिखित अनुरोध भेजा है। दस्तावेजों के मुताबिक पीटीसी इंडिया को लगभग $80 मिलियन और सेल को $190 मिलियन की रकम चुकानी है। पीटीसी इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि 2013 से PBT बिजली की आपूर्ति के साथ उनका लंबा संबंध रहा है।
और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2022 से बिजली की आपूर्ति हो रही है। वहीं सेल ने बांग्लादेश के अधिकारियों को बकाए की असहनीय स्थिति से अवगत कराया है। बांग्लादेश जो अपनी 20% बिजली भारत से आयात करता है, पिछले 8 से 9 महीने से बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। सेल को 2018 में 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने का ठेका मिला था। सेल ने एक बयान में कहा है कि वे बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी अपने अनुबंधीय शर्तों का पालन करेंगे और भुगतान में तेजी लाएंगे ताकि बिजली आपूर्ति बनी रहे। दस्तावेज के अनुसार सेल और पीटीसी इंडिया के पास बांग्लादेश के साथ अपने बिजली कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में $34.1 मिलियन, $30.7 मिलियन की बैंक गारंटी है। बांग्लादेश की रूपाली बैंक अब लगभग $270 मिलियन के रकम का भुगतान करने के लिए डॉलर की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है ताकि भारतीय कंपनियां उनकी बैंक गारंटी कैश न करें। रूपाली बैंक और BBTB ने मिलकर बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक से अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने की कोशिश की है ताकि विदेशी मुद्रा में बिजली के बिलों का भुगतान हो पाए। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो आदिवासी समुदाय है, चकमा समुदाय ने अनुरोध किया है कि आप इनसे नहीं मिले। हालांकि माना जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर और उनके जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री होंगे उनके साथ भले मुलाकात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। हालांकि यहां पर यूएन की जनरल असेंबली को यूनुस संबोधित करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि ये संबोधन यहाँ पर मदद मांगने के लिहाज से किया जाएगा, पर यहाँ पर भारत एक और बड़ी चीज कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत का टारगेट है टेक्सटाइल सेक्टर, ये पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले हम ही राज किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल गई और हमारे हाथ से टेक्सटाइल सेक्टर निकल गया और अब हम टेक्सटाइल सेक्टर पे फिर से वापस राज करेंगे। देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए गए हैं जिनमें विजन है कि फार्म से फाइबर और फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरन, मतलब कि एक ऐसा ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना जहां से सामान दुनिया तक पहुंच सके। इसके लिए भारत सरकार यहां काफी कुछ खर्च करने को भी तैयार है जिसमें लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा काम मिल सके। और आपको बता दूं ये जो परियोजनाएं शुरू की गई है, हालांकि ये परियोजना काफी पहले से चल रहा था, बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बांग्लादेश में जो उत्पन्न हुआ है क्राइसिस, इस क्राइसिस से बांग्लादेश और उसके मास्टर भले प्रभावित होंगे, भारत यहाँ प्रभावित होने से रहा। कहा जा रहा है कि 20 लाख लोगों को यहाँ पर इस स्कीम के तहत अब फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे भी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।